क्या हम लोगों को तुम मारना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ। भाई। तुमको डर लग रहा है? चार्ली। भाई तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। दोस्तों अभी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पर टाइम देख लीजिए। सबसे पहले तो 1:31 हो रहा है रात के, और हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे देख सकते हो 2 मोमबत्ती, ये है कुछ मिर्च, और यहाँ पे है ये पेंसिल। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं चार्ली घोस्ट चैलेंज, और देखते हैं कि क्या YouTube पर जितने भी वीडियो बने हैं क्या वो रियल है या फिर फेक। चलिए हम भी इसका स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग चार्ली चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इसमें हम लोगों को क्या करना होता है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेंसिल रखा हुआ है, और एक तरफ यहाँ पे यस लिखा हुआ है और एक तरफ यहाँ पे नो लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब चैलेंज को शुरू करने का समय आता है, और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ली चैलेंज। हमारा पूरा सेटअप रेडी हुआ है, और अब हम लोग देखते हैं कि क्या सच में ये वर्क करता है, क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा खतरनाक सा भूत या फिर आत्मा आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए हमको 3 बार बोलना पड़ता है, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? ऐसे हम लोगों को 3 बार बोलना होगा, उसके बाद ये यहाँ पे स्टार्ट होगा या एक्टिव होगा, काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हम 3 बार बोल लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है गाइस। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? तो दोस्तों एक बार और कहना है, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? गाइस तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ना कुछ रिएक्ट आप लोग देख सकते हो, ये यस बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे यह एक्टिव हो चुका है, और अब भी इससे कुछ सवाल पूछते हैं। और दोस्तों इसको ऐसे ही क्विट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछते हैं। चार्ली क्या तुम हम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नो पे आ चुका है, कि हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिर से रेडी कर देते हैं, और गाइस मुझे सच बताऊं दोस्तों, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है अंदर से कि यह वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे तो डर भी लग रहा है, तो एक फ्रेंड है उसको भी मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ। आ जाओ इधर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा। कैमरा के पीछे हैं बाकी बहुत सारे लोग हैं, अभी 4-5 दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक है, मैं बुला लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों ये भी हमारा हेल्प के लिए यहाँ पे आ चुका है, अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन इसे पूछते हैं। तुमको डर तो नहीं ना लग रहा है भाई? डर भाई सच बताओ तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन एक रिस्क और लेते हैं यहाँ पे। चार्ली क्या तुम अभी यहाँ से जा सकते हो? दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नो आया, भाई अभी तो मन कर रहा है कि इस गेम को यहीं पे क्विट कर दे, लेकिन अगर इसको यहाँ पे क्विट कर देंगे तो ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अब इससे ही परमिशन लेते हैं क्विट करने का।
चार्ली चार्ली चार्ली, क्या मैं इस गेम को क्विट कर सकता हूँ? भाई आप लोग यहाँ पर खुद देख लो, खुद आप लोग यहाँ पर खुद देख लो, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो कि यहाँ पे नो बता रहा है, यानी कि हम लोगों को अभी गेम क्विट नहीं करना है, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। भाई काफी अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या हम लोगों को तुम मारना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ। भाई 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 भाई, तो भाई अब काफी अंदर से ज्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि मैंने जब इससे पूछा कि क्या तुम हम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो इसने सीधा सीधा यस बोल दिया। भाई अब हम लोग क्या, भाई इसे हम लोग थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करके देखते हैं, शायद माफी मिल जाए। भाई मेरा तो अंदर से पूरा एकदम कलेजा कांप रहा है, लेकिन फिर भी और चार्ली चार्ली चार्ली, क्या तुम्हारा मौत एक्सीडेंट के कारण हुआ था? दोस्तों इसका मतलब है चार्ली का मौत पक्का से एक्सीडेंट में ही हुआ है, और आप लोगों के सामने ही जो भी हो रहा है, आप लोगों के जस्ट सामने हो रहा है। मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसा टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या तुम बच्चों को नुकसान पहुंचाते हो? भाई चार्ली जो है वो बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर से एक बार दोस्तों हम लोग रिक्वेस्ट करके देखते हैं, क्या हम लोग इस गेम को क्विट कर सकते हैं या फिर नहीं, चलिए एक बार करके देख लेते हैं फिर से। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे तो मन कर रहा है कि इसको छोड़ के यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। दोस्तों अब हम लोगों से बिल्कुल भी यहाँ पे रुका नहीं जा रहा है, तो अब हम लोग इसे एक लास्ट रिक्वेस्ट फिर से कर देखते हैं कि क्या हम लोग इस गेम को क्विट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो करके देखते हैं। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या हम इस गेम को क्विट कर सकते हैं? भाई यहाँ पर तो ये डायरेक्ट बोल रहा है चार्ली कि हम लोगों को गेम क्विट नहीं करना है, और हम लोगों को इतना ज्यादा डर लग रहा है कि अब तो भाई इसको छोड़ने का पूरा से मन बना लिया है। अब क्या करे नहीं करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से एक क्वेश्चन पूछ के उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट करके देखते हैं, शायद हम लोगों को चार्ली माफ कर दे। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ के देखते हैं चार्ली से। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या हमने तुमको परेशान किया? ओह शिट, भाई हमने कब परेशान किया चार्ली को? यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि हाँ हमने उसको परेशान किया है। तो भाई अब इससे माफी मांगकर देखते हैं, शायद हम लोगों को माफी मिल जाए। और भाई काफी ज्यादा ही हम लोगों को डर लग रहा है। चार्ली चार्ली चार्ली, भाई तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। भाई मैं एक लास्ट चांस ले रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं मुझे खुद भी पता नहीं है। भाई चार्ली चार्ली चार्ली, प्लीज मैं इस गेम को क्विट कर सकता हूँ? भाई मुझे लगता है शायद मुझे चार्ली ने माफ कर दिया, और किसी तरीके का कोई ब्लडिंग तो नहीं ना रहा है भाई। नहीं 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 भाई, लगता है कि अब मुझे चार्ली ने माफ कर दिया है। अब इससे एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि इस गेम को क्विट करते हैं, और अब भाई इस गेम को मैं बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला, कभी भी इसको ट्राई नहीं करने वाला, और आपको भी ट्राई नहीं करने का सलाह देता हूं।
चार्ली चार्ली चार्ली, क्या मैं इस गेम को फीट कर सकता हूँ? भाई फाइनली चार्ली की तरफ से हम लोगों को यहाँ से यस बोल दिया गया है, अब हम लोग इस गेम को फीट कर सकते हैं। और भाई इस गेम को मैं अब बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल भी इसको ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है।